अधिकारी कर्मचारी है जिस तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं दो आरोपी, एक का नाम प्रमोद है और एक का नाम दीपक है। और फिलहाल आप देख सकते हैं दो आरोपी यहां पर हैं। ये दोनों आरोपी अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं और ये रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक को जुंडला चौक से गिरफ्तार किया गया है और एक को जीन से गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस तरीके के मामले बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और सचिन जी हैं हमारे साथ इस समय, विजिलेंस के इंस्पेक्टर हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला है जी? क्या कुछ पूरा मामला है सर? एक मिनट जी सर। हाँ, इसमें ऐसा था, जो हमारे पास कंप्लेनेंट आए हैं उनके फादर पुलिस में जॉब करते थे और रिटायर होने के बाद जैसे वो एक्सपायर हो गए और उनका ग्रेचुएटी का फंड आना था और दूसरा जो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन थी वो उनकी ऑडिट विभाग द्वारा, जो ट्रेजरी विभाग है उनके द्वारा बनाई जानी थी। तो कमिटेड लोन की एवज में उन्होंने इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इनसे बातचीत की कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे पहले एक घरोंडा से हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसी विभाग के, और दीपक उनका नाम है। उन्होंने फिर आगे जो पंचकुला में इनके बड़े अधिकारी हैं, एजी ऑफिस में एक डबल एजी हैं, एडिशनल ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनसे इन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे आपके, तब आपका ये 13.5 लाख रुपए का लोन पास होगा। उसके बाद इन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की, पर इनको फिर डराया गया, धमकाया गया कि ये ऐसे तो आपका लोन पास नहीं होगा, वो चीज़ आपकी नहीं हो पाएगी। फिर अभी कुछ दिन पहले ही इनसे 40,000 रुपये वो लेके गए हैं और उसके बाद आज उन्होंने जैसे और डिमांड कर रखी थी, 2.5 लाख रुपये का चेक मंगवा रखा था दबाव देकर और 1 लाख रुपये कैश मंगवा रखे थे, जो इन्होंने अपनी मजबूरी हमारे को बताई और उसके बाद इन्होंने शिकायत की कि मुझे ये पैसे नहीं देने हैं। और जो पहले दीपक हैं, दीपक को रेड हैंडेड यहाँ से चिड़ाव मोड़ के पास से, बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बताया ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में कि ये जो पैसे हैं ये मेरे से आगे जो प्रमोद हैं इनके ऑडिट जनरल ऑफिस में उन्होंने मंगवा रखे हैं, इसमें से मेरा कुछ शेयर है। तो फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और शेडो जो हमारे रहते हैं साथ में, उनकी हाजिरी में ही जैसे वो डिलीवरी उन्होंने आगे उन्होंने डिमांड कर रखी थी, उनको रंगे हाथों फिर दोनों को गिरफ्तार किया गया। कुल कितने पैसे थे और इनका डिपार्टमेंट कौन सा है सर? एजी डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑडिट जनरल विभाग है, महालेखाकार विभाग है जो पंचकुला में है, और वहाँ के ये अधिकारी थे जिनको एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, और दूसरे ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो घरोंडा में तैनात हैं और कभी कभी अपनी सेवाएं यहाँ करनाल में भी देते हैं ट्रेजरी विभाग में। उन दोनों को हमने आज गिरफ्तार किया है। जिनकी ये पेंशन थी वो किस पद पर थे? जो पुलिस में वो किस पद पर थे? पूरे तरीके से गिरफ्तार किया है सर, कंप्लेंट के गिरफ्तार बिहाफ पे हमने गिरफ्तार किया है, कंप्लेनेंट है इसमें, और उन्होंने ही हमारे को ये बात बताई कि मेरे फादर के ग्रेचुटी के और दूसरे जो लोन के बारे में कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है वो इनका एक नाम दिया गया है, एडवांस जो लोन एक बार पेंशनर्स को। किस पोस्ट पे थे ये जो पुलिस वाले अधिकारी थे जिनका देहांत हो गया था? इंस्पेक्टर रिटायर थे, रिटायरमेंट के बाद उनका देहांत हो गया था, तो ये जो उनको पैसे मिलने थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया सर, ये दोनों पक्के हैं जी? एक तो जो है वो अपना डीसी रेट पे है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो सेकंड अधिकारी हैं जो ऑडिट जनरल विभाग के हैं वो पक्के। सर आपने आपने जो एक को तो जोंडला के पास से पकड़ा है और दूसरा कहाँ से पकड़ा है?
दूसरा जीन से पकड़ा गया है। जैसे इसको पकड़ा तो फिर इन्होंने बताया कि नेक्स्ट जो है वो जीन में पैसे मंगवा रहा है, तो उनको फिर हमने जीन से गिरफ्तार किया। 40,000 पहले ले चुके थे सर, कितना कितना अमाउंट कैसे कैसे दिया था? 40,000 रुपए ये ऑलरेडी ले चुके हैं, 2.5 लाख रुपए का चेक था और 1 लाख रुपए का कैश था। सर रिश्वत भी चेक से ले रहे हैं? ये ऐसा ही डिमांड की। कोई और आरोपी सर इसमें या कोई और संलिप्त? इसमें जो इनसे पूछताछ की जाएगी आगे, इसमें अगर कोई और बात निकल के आती है तो वो फिर हम दोबारा। सचिन जी, अधिकतर देखा जाता है कि छोटे अधिकारी तो करप्शन में भ्रष्टाचार में फंसते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी बच जाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं यही कहूंगा कंप्लेनेंट आगे आए और पकड़वाएं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे विजिलेंस विभाग से, पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। एक इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में वो रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद उनका देहांत हो जाता है। जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके परिवार के सदस्य, उनकी पेंशन उनके पास आती रहती है, उसके अलावा कम्यूटेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन होती है, ये एक तरह का लोन होता है। अगर किसी को इकट्ठे चाहिए 10-12-13 लाख रुपए तो वो लोन उन्हें मिल जाएगा, और जो वो लोन की किस्त होगी वो पेंशन से कटती रहेगी, या फिर आप अपने जिस बैंक के साथ आपका अटैच रहेगा उस बैंक से आपकी किस्त कटती रहेगी। तो वो तकरीबन 13.5 लाख रुपए का कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन थी जो परिवार ने लेनी थी, लेकिन ऑडिट ऑफ जनरल विभाग के जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी थे वो 13.5 लाख रुपए रिलीज नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये 13.5 लाख रुपए तब रिलीज होंगे जब आप 4 लाख रुपए की तकरीबन रिश्वत देंगे। तो रिश्वत की जो बात है वो 4 लाख रुपए में सेट हो जाती है, लेकिन उसके बाद 40,000 रुपए जो शिकायत करता है उनकी तरफ से दे दिए जाते हैं। 40,000 रुपए देने के बाद आज जब यहां पर शिकायतकर्ता पहुंचते हैं, क्योंकि वो विजिलेंस में जानकारी दे देते हैं, विजिलेंस में जब जानकारी दे देते हैं तो जुंडला के पास से एक डाटा एंट्री ऑपरेटर गिरफ्तार किया जाता है, और जिसका नाम दीपक है, और दीपक से जब पूछताछ की जाती है विजिलेंस की टीम के द्वारा, तो वहां पर जो मौजूदा मजिस्ट्रेट थे उनके सामने दीपक कहता है कि एक अधिकारी हैं जिनको मैंने ये पैसे देने थे, उनका नाम प्रमोद है, वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है जो पंचकुला में तैनात है, वो इस समय जींद में मिलेंगे, और वो 2.5 लाख रुपए का चेक और 1 लाख रुपए नगद हमने उनको देने हैं, यानी कि रिश्वत का पैसा बाकी पैसा उनके पास जाना है। दीपक यहां पर गिरफ्तार हो चुका है, बचा कौन है? प्रमोद। जब विजिलेंस की टीम जाती है जींद तो वहां से प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है। प्रमोद एक अधिकारी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर है, एक अच्छा रैंक रहता है, और ऑडिट ऑफ जनरल विभाग के अंडर वो आते हैं, और पैसे रिलीज करने के नाम पर तकरीबन 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। 40,000 रुपए पहले ले चुके थे, उसके बाद जो है 1 लाख रुपए आज कैश लेने थे, 2.5 लाख रुपए चेक लेने थे, और तकरीबन 13.5 लाख रुपए उसके बाद रिलीज करने थे जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के पैसे थे, यानी कि एक साथ परिवार को पैसे चाहिए थे। और ये पैसे लिए किससे जा रहे थे? एक जो पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर के पद पर वो रिटायर होते हैं, उसके बाद उनका देहांत हो जाता है, उनके परिवार वालों से पैसे लिए जा रहे थे, लेकिन विजिलेंस की टीम ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए दीपक और प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है, जुंडला और जींद से गिरफ्तार किया गया है, और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कौन कौन से और अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल है वो भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। ट्रेजरी विभाग होता है जो ये पैसे रिलीज करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर उसी विभाग के अंडर आता था, घरोंडा में वो तैनात था और पंचकुला में वो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर प्रमोद तैनात था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल चलता है, आपके पैसे हैं, उन पैसों को भी रिलीज करने के लिए ये लोग रिश्वत मांगते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप किसी को पैसे मत दीजिए, सरकारी दफ्तर में आपका काम है, जेन्युइन काम है, तो आप जाइए, और अगर कोई काम नहीं करता है तो पैसे मांगता है तो आइए विजिलेंस विभाग के पास और शिकायत कीजिए, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। शुभ रात्रि।